नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा प्रणियर के इस एपिसोड में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाने वाला हूं। आप सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माध्यम से आपका वीडियो बना सकते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे जो अध्यापक है, बहुत सारे जो शिक्षक गण है, उनको अभी वीडियो बनाने की जरूरत है। और दोस्तों वह वीडियो आप कुछ ही मिनटों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ 5 स्टेप्स जो है फॉलो करके बना सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। सिर्फ आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। यह बात मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए हमारे स्क्रीन पर चलते हैं और इस कमाल के वीडियो को हम यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहां पर सिर्फ आपको क्या करना होगा, पहले एक अच्छा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होगा, एक बेहतरीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होगा जिसमें एनिमेशन हो, ट्रांजिशन हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा वीडियो कमाल का हो तो उस तरीके से आपको वह बनाना है। तो यहाँ पर हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ स्लाइड्स यहाँ पर आपके लिए बनाई है। तो इन्हीं स्लाइड्स को आज हम यहाँ पर वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, आपको मैं यह चीज़ बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब आपके पावर पॉइंट में आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो दिखाई देते हैं। तो इन सभी ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन स्लाइड शो का यहाँ पर है। इस स्लाइड शो के ऑप्शन के माध्यम से ही हम यहाँ पर आज वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं आप देख रहे हो, मैंने स्लाइड पे लिखा है नरेशन इन PPT। ये जो नरेशन होता है, इसी नरेशन के माध्यम से हम यहाँ पर आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो मेकिंग बाय नरेशन और बाय स्लाइड शो और बाय रिकॉर्डिंग योर स्लाइड्स। यहाँ पर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपके पावर पॉइंट को यहाँ पर वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ पावर पॉइंट के माध्यम से आप यहां पर वीडियो बना सकते हैं, वो भी बेहतरीन वीडियो मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम समझ लेंगे कि इसमें कौन सी स्टेप्स है। सिर्फ 5 जो स्टेप्स है उनको फॉलो करके आप ये वीडियो बना सकते हो। तो यहां पर मैंने दिया है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो फाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो तैयार करना होगा। उसके बाद में हमें स्लाइड शो का जो ऑप्शन है उसमें जाना है। उसके बाद में क्लिक ऑन रिकॉर्ड स्लाइड शो, इस पर जाना है। उसके बाद में स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, वहां पर एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर जाना है। और आपकी रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, यह जो वीडियो है यह सेव या सेव एज नहीं करना है, तो यह आपको एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ वीडियो, उस पर आपको क्लिक करना है, आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। दोस्तों यह सब करने से पहले हमें एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वो है चेक फर्स्ट। तो क्या हमें यहाँ पर जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, एक है आपका जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो कंप्यूटर में चल रहा है, या दूसरा आपका जो साउंड है वो माइक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि आपको आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसे आपको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करते समय ये सब उसमें रिकॉर्ड होने वाला है। तो आप किस चीज़ का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं, कंप्यूटर के माइक को यहाँ पर आप उपयोग में ला रहे हैं, या आप कोई एक्सटर्नल माइक से यहाँ पर आपका जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड कर रही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको चलिए ये जो सारे स्टेप्स है ये करके दिखाऊंगा। तो अब हम जो है हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आ चुके हैं, और आने के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर स्लाइड शो, ये जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ये जो 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, प्ले नरेशंस, यूज टाइमिंग्स, शो मीडिया कंट्रोल्स, ये डिफॉल्ट टिक आएंगे, उसे वैसे ही रहने देना है। और यहाँ पर जो ये घड़ी का आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, रिकॉर्ड स्लाइड शो। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आप यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग और स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर आप ये रिकॉर्डिंग में कहीं पर रुक जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन का जो दूसरे नंबर का है उसका उपयोग करना है। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है क्लियर का, इसमें आपको ये जो टाइमिंग्स आपने दी इसे क्लियर कर सकते हो, क्लियर टाइमिंग्स ऑन ऑल स्लाइड्स, क्लियर नरेशन ऑन ऑल स्लाइड्स, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये जो पहला ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है वीडियो बनाने के लिए, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिर आपके सामने एक छोटा सा विंडो आएगा, उस विंडो में आपको यहाँ पर 2 टिक बॉक्स आएंगे, एक आएगा स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, इसे आप ऑन कीजिए, और दूसरा जो है नरेशन एंड लेजर पॉइंटर। अगर आप किसी प्रोजेक्टर पर ये सब बना रहे हो तो उसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके ऑडियो के साथ, तो इसे भी टिक करते हैं हम यहाँ पर, और स्टार्ट रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हम करते हैं। तो देखिए
यहाँ पर जो है हमारी जो स्लाइड है वो फुल मोड पर आ चुकी है और आपको यहाँ पर एक कोने में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दाहिने बाजू के कोने में आपको ये रिकॉर्डिंग जो है ये शुरू हुई नजर आती है। देखिए यहाँ पर 16 सेकेंड्स हुए हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस है, इसे आप पॉज भी कर सकते हो। इस पर अगर क्लिक करोगे तो रेज्यूम रिकॉर्डिंग, ये पॉज हो गई है, अभी आप देख सकते हो पॉज हो गई है, तो इसे आप रेज्यूम भी कर सकते हो। अब ये यहाँ पर शुरू हुई है, देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंड्स है ये शुरू हुई है। यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है रिपीट, अगर आपको ये सब चीज़ें रिपीट करनी है तो आप रिपीट पर क्लिक करके फिर से ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ऊपर आपको यहाँ पर ये जो चिन्ह यहाँ पर दिखाई देता है तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका स्लाइड शो जो है रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी। उसके बाजू में जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐड और रिमूव बटन्स, ये आपको एक ऑप्शन जो है वो मिलेगा रिकॉर्डिंग का, अगर आपको करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो पूरा है ये पूरा चल रहा है। देखिए क्लिक करने के बाद जो अगली स्लाइड है ये हमारे पास आ गई है। फिर से एक बार आप देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अच्छी तरह से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यहाँ पर जो है प्रिपरेशन करना है। उसके बाद में आपको ये गो स्लाइड का ऑप्शन जो है उस पर जाना है, रिकॉर्ड स्लाइड पर जाना है और स्टार्ट रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर ये जो सब चल रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और आप जैसे ही स्लाइड को आगे लेते जाओगे आपके सब स्लाइड्स यहाँ पर आएंगे और इन सभी स्लाइड्स को आपको रिकॉर्ड करना है, अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो स्लाइड्स बनाई है उसी तरह से आपको स्लाइड्स बनानी है और इसमें एनिमेशन या कुछ भी आप डालोगे तो वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा एज अ वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो एक यहाँ पर जो सिंबल है यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ये जो है रिकॉर्डिंग का मतलब आपका जो साउंड है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको यहाँ पर बताया। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यहाँ पर वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी दूसरे चीज की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ लैपटॉप में अच्छी तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए और उसे आप सिर्फ एक्सप्लेन करते जाइए, ये सब आपको वहां पर दिखेगा। इसमें एक दिक्कत ऐसी है कि आपका जो विंडो है छोटा सा यहाँ पर आप जिसमें दिखते हैं वह यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये सुविधा पावर पॉइंट में नहीं है, लेकिन आपका ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो रिकॉर्ड करने की सुविधा है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये आप कर सकते हैं, इसे हम ऑफ फेस वीडियो कहते हैं, आपको का जो फेस है इसमें नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों इसे मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, सिर्फ आपको एस्केप करना है, एस्केप के बाद ये रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी। और अभी ये हम आप देख सकते हो कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो चुकी है। तो आपको इसे वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट करना है, आप देखिए यहाँ पर जो है ये आपकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो चुकी है, इतनी यहाँ पर आप देख सकते हो। हर स्लाइड पे देखिए, इस स्लाइड पे भी आपको ये जो वॉल्यूम है ये रिकॉर्ड होता हुआ दिखाई देता है। इसे अगर प्ले करेंगे आप तो देखो देखिए आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पर हमारा सब रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मैंने जो दिखाया था यहाँ पर, अगर आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग्स निकालनी है तो यहाँ पर सिर्फ क्लियर नरेशन ऑन करंट स्लाइड या क्लियर नरेशन ऑन ऑल स्लाइड, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो पूरी रिकॉर्डिंग इसमें से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप इसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए फाइल पर चलते हैं, फाइल पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये जो सेविंग के ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर। शेयर के नीचे जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट, उस पर हमें क्लिक करना है, सिर्फ एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे, जैसे कि क्रिएट पीडीएफ, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ वीडियो पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी, क्रिएट हैंगआउट्स, चेंज फाइल टाइप। तो यहाँ पर हमें क्रिएट वीडियो जो है दूसरे वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो ये जो ऑप्शंस आए इसे हमें वैसे की वैसे रखना है, कंप्यूटर एंड एचडी डिस्प्ले, और दूसरा यूज रिकॉर्डेड टाइमिंग्स एंड नरेशंस, इसे भी हमें रखना है। और नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक करने के बाद आपको यह एक विंडो में पूछा जाएगा कि ये वीडियो आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, डेमो वीडियो, इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं। अब जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये किस तरह से सेव हो रहा है ये आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये जो है क्रिएटिंग वीडियो डेमो,
videos.mp4, तो ये mp4 में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर इसकी जो प्रोग्रेस है वो देख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा समय लगेगा, आपकी PPT जब वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उस समय के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप आपके पावर पॉइंट को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पावर पॉइंट है उससे हमारा वीडियो यहाँ पर बन चुका है। मैं आपको वह दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो वीडियो है वो बना है। तो यहाँ पर जहाँ पर सेव हुआ है उसे हम निकालते हैं। तो ये जो देखिए यहाँ पर जो डेमो वीडियो हमें इसे टाइटल दिया था वो अब सेव हो चुका है। किस तरह से वो यहाँ पर प्ले करते हैं हम देखते हैं किस तरह से वो बना है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी जो स्लाइड है वो फुल मोड पर आ चुकी है, और आपको यहाँ पर एक कोने में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दाहिने बाजू के कोने में आपको ये रिकॉर्डिंग जो है ये शुरू हुई नजर आती है। देखिए यहाँ पर 16 सेकेंड्स हुए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन है, इसे आप पॉज़ भी कर सकते हो। अब ये यहाँ पर शुरू हुई है, देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंड्स है ये शुरू हुई है। यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है रिपीट, अगर आपको ये सब चीज़ें रिपीट करनी है तो आप रिपीट पर क्लिक करोगे तो ऐड और रिमूव बटन्स अब आ गई है, फिर सब स्लाइड्स यहाँ पर आए। देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो वीडियो है वो हमारा बन चुका है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो तीनों स्लाइड्स हमने ली थी वो पूरी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है, आप आवाज भी इसमें सुन सकते हो। तो इस तरह से जो है यह आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत इस तरह की है कि आपका जो फेस है वो इसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप आपका वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, मुझे आशा है ये जो हमने आज वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये जो वीडियो है आपने दोस्तों में शेयर कीजिए और शिक्षा प्रेनियर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह के वीडियोज़ आप यहाँ पर देख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।